Hello everybody, this is Avinash Agarwal, your success guide in the journey of scoring more marks, cracking exams and achieving your goals. आज का वीडियो खास तौर से क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, और जैसा कि आप सब लोग अभी तक जानते ही होंगे कि 10th बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हो पोस्टपोन नहीं कैंसिल हो चुके हैं 10th बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। बहुत से बच्चे इस न्यूज़ को सुन के बहुत खुश हुए, पर अब आज के इस वीडियो के द्वारा हम इस न्यूज़ की बारीकियों में जाएंगे और ये देखेंगे कि जो CBSE ने कहा है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन निकाला जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं 10th बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि इसमें 10th क्लास का असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट होगा, माने स्कूल ही आपका असेसमेंट करेगा, और उसके लिए CBSE बोर्ड कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया निकाल कर स्कूल्स को बताएगा कि किस तरीके से असेस करना चाहिए। जो बच्चे अपने रिजल्ट से डिससेटिस्फाइड हैं या एग्री नहीं करते हैं, उनके पास एक ऑप्शन होगा, जब भी कोविड की सिचुएशन सुधरती है तो वो 10th बोर्ड का एग्जाम एक्चुअल में दे सकते हैं और अपने हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्लास 10th के बच्चों के सामने इस वक्त यही हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या होगा। तो देखते हैं, मैंने काफ़ी स्कूल के प्रिंसिपल्स और काफ़ी स्कूल के टीचर से बात की और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट 4-5 तरीके का हो सकता है। जैसे सबसे पहले तो ये देख सकता है स्कूल, ये देख सकता है कि बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस कितनी की, माने आपका अटेंडेंस कितना था, आपका क्लास पार्टिसिपेशन कितना था, आपके प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आए, आपने प्री बोर्ड को एग्जाम्स को कितना सीरियसली लिया है, आपके प्री बोर्ड के अंदर कितने मार्क्स आए, आपने जो समय समय पर स्कूल्स ने असाइनमेंट दिए क्या वो सबमिट किए हैं या नहीं किए हैं, या फिर और किसी तरीके का असाइनमेंट हो जो कि स्कूल ने दिया हो, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वीकली टेस्ट हो, चाहे मंथली टेस्ट हो, उन टेस्ट में ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस क्यों रही है। क्योंकि इसमें समझने वाली बात एक ये है कि एक ही टेस्ट के बेसिस के ऊपर स्कूल इंटरनली असेस नहीं कर सकता, कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है इसके ऊपर है। कुछ स्कूल्स का ये भी मानना है कि हो सकता है इस तरीके का इवैल्यूएशन भी आ जाए कि 80% या 60% मार्क्स स्कूल ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर दे दे और 30% मार्क्स या 40% मार्क्स जो है कोई एक और ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले ले जो कि ऑनलाइन स्कूल की जिम्मेदारी होगी सभी स्टूडेंट्स का कंडक्ट करने का। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन CBSE बोर्ड ने कहा है निकालेगा, इसमें 4-5 चीजें आ सकती हैं। नंबर 1 पे अटेंडेंस आ सकता है, नंबर 2 पे क्लास पार्टिसिपेशन आ सकता है, नंबर 3 पे आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे हो, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके कितने मार्क्स आए वो आ सकता है, नंबर 4 में सारे साल में आपने स्कूल्स के असाइनमेंट को कितनी सिंसियरिटी रेगुलरिटी के साथ सबमिट किया है वो आ सकता है, और नंबर 5 पे ओवरऑल आपकी पूरे साल के अंदर इंटरनल असेसमेंट के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है वो आ सकता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे जो थ्रू आउट द ईयर आपके असेसमेंट थे इनको 70% दे दिया जाए और 30% के बेसिस के ऊपर कोई और एक नया छोटा सा टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट कराया जा सकता है जिसके बेसिस के ऊपर आपका 100% मार्क्स निकाला जा सकता है। तो ये तो बात रही कि ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन किस तरीके से हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया किस तरीके से हो सकता है। अब इन स्थिति में बच्चों को क्या करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है, क्योंकि कल से मैं 10th क्लास के बच्चों का रिएक्शन देख रहा हूँ, एवरीबडी इज थिंकिंग एज इफ द एग्जाम्स आर ओवर। लेट्स अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट द फैक्ट दैट द एग्जाम्स हैव बीन कैंसल्ड बट द एग्जाम्स आर नॉट ओवर। अभी भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई असेसमेंट, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का जो इवैल्यूएशन होना है वो बाकी है, और जब तक वो इवैल्यूएशन या असेसमेंट नहीं हो जाता हमें बिल्कुल भी यूफोरिक मूड में नहीं आना चाहिए। हमें उतनी ही सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ रहना चाहिए जितनी सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ पिछले 10 महीने में हमने मेहनत की है। तो सबसे पहली बात तो ये समझने की एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं पर फिर भी एक तरीके से ख़त्म नहीं हुए, एग्जाम्स होंगे और हमें उन एग्जाम्स के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तैयार रहना है। हालांकि उतने स्ट्रेस वाली बात ऑब्वियसली नहीं है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में होती, बट असेसमेंट तो असेसमेंट है, और खासतौर से इस सिचुएशन में कि क्लास 10th के मार्क्स लाइफ लॉन्ग भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बहुत जगह जब भी आप आगे जाते हैं तो लाइफ में 2 ही क्लासेस के मार्क्स पूछे जाते हैं, एक क्लास 10th के और एक दूसरे क्लास 12th के। तो इन बदली परिस्थितियों में दूसरी चीज़ जो सभी स्टूडेंट्स को मेरी सिंसियरली एडवाइस रहेगी कि आगे आने वाले समय में जो भी स्कूल क्लासेस ले रहा है क्लास 10th की, हमें सारी क्लासेस बिल्कुल 100% सिंसियरिटी से करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एग्जाम्स खत्म हो गए। जो भी असाइनमेंट्स हमें आने वाले कुछ दिनों में मिल रहे हैं वो सभी असाइनमेंट्स हमें करने चाहिए, और ध्यान रखिए CBSE क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन बच्चों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा जिन्होंने पिछले 10-12 महीने में बहुत कड़ी मेहनत की, बहुत ताकत, बहुत शिद्दत से मेहनत की, ध्यान रखिए कि आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जा सकती, कभी भी बेकार नहीं जा सकती। जो भी आपने मेहनत की है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपना रंग जरूर दिखाएगी, और ख़ास तौर से अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि 9th और 10th में जो हम पढ़ते हैं, या फॉर एग्जांपल 10th क्लास में जो हम पढ़ते हैं,
उसी का एक्सटेंशन 11th क्लास में होता है, माने उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं सब्जेक्ट्स, उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा डीप और ज़्यादा विड्थ में हम पढ़ रहे होते हैं। क्लास 10th आपकी फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपकी मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जा सकती, बिल्कुल भी बेकार नहीं जा सकती है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आगे जाके जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि 10th क्लास में हैं और आगे जाके जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं, अपने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स में इन्वाइट करना चाहूँगा। ये फ्री ऑनलाइन कोर्स बेसिकली स्ट्रैटेजी, ओरिएंटेशन और स्टडी स्किल्स के ऊपर है। ये कोर्स 100 से ज़्यादा नीट और जेईई के टॉपर्स को इंटरव्यू करके उसके बेसिस पे बनाया गया है। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।